तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे LLB फर्स्ट ईयर 2023 के जो ओल्ड पेपर है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो बना के। इसमें आपका 8 नंबर का जो पेपर है वो है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लीगल हिस्ट्री आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1600 की चार्टर और 1661 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अतिरिक्त अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ स्थापना, संविधान और अधिकार क्षेत्र के प्रारंभिक इतिहास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर यहाँ पे 1726 के राजपत्र के प्रावधान को बताइए और इसके दोष और इन दोषों को जो 1753 का राजपत्र है द्वारा कैसे इसको दूर किया गया था वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है कि सन 1781 का बंदोबस्त अधिनियम सन 1973 के रेगुलेटिंग अधिनियम में संशोधन करने एवं उसे स्पष्ट करने के लिए पारित किया गया था, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो सेटलमेंट जो एक्ट है 1781, फिर उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1973 है उसमें अमेंडमेंट किया गया था वो आपको बताना है, जो इसमें ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये शॉर्ट नोट है, इसमें पहला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड विलियम बेटिंक द्वारा किए गए सुधारों की न्यायिक की महत्व को की तुलना कीजिए। फिर यहाँ पे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के मुख्य प्रावधान आपको बताने हैं। नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वो है अदालत व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वारिंग होस्टिंग की 1772 की योजना का वर्णन कीजिए और 1774 की योजना है वो किस प्रकार है वो संशोधित हुई थी वो आपको बताना है। फिर से यहाँ पे है वो शॉर्ट कमेंट के रूप में आया है इसको बताना, इस पर टिप्पणी करना आपको। मार्ले मिंटो सुधार, जेम्स फोर्ड रिपोर्ट, पूना समझौता और साइमन कमीशन, सॉरी साइमन आयोग रिपोर्ट, ये में शॉर्ट नोट के रूप में पूछे हैं। फिर यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1833 का चार्टर अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर था क्योंकि इसे प्रशासन और कानून की एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित थी, चर्चा कीजिए। फिर यहाँ पे निबंध के रूप में भी टिप्पणी के रूप में ही है, निबंध लिखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान और प्रथम विधि आयोग के गठन और उसके कार्य आपको बता दें। 5 यहाँ पे यूनिट है, 2 की लास्ट यूनिट है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संघीय न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार पर चर्चा कीजिए और नीचे कांसी जुरा का जो मामला था उसके बारे में। तो ये तो आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कि केस लॉ जो आते हैं वो आप मत करना, उसमें नंबर नहीं आते इतने। 9th क्वेश्चन है, इनको आप लगा लीजिए अपनी सीरीज बुक में और स्टडी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपके जुलाई तक हो सकते हैं, अपडेट मेरे पास यही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके भाई बहन हैं LLB कर रहे हैं उसको इस वीडियोज़ की या चैनल की लिंक को सेंड कर दीजिए। थैंक यू।